लू और गर्मी से बचाव के लिए चिकित्सकों ने लोगों को सलाह दी है कि वे जरूरी कम होने पर ही घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलते वक्त शीतल पेय पदार्थ लेकर और सिर को अच्छी तरह ढककर ही बाहर जाएं। सवाई मानसिंह अस्पताल के मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर पुनी सक्सेना ने गर्मी में खासकर बुजुर्गों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। उस अस्पताल में अब मेडिसिन में ओपीडी जो पूर्व में ओपीडी चल रही थी मौसमी बीमारियों में जैसे सर्दी खांसी जुकाम के मरीज़ ज़्यादा आ रहे थे, वायरल डिजीज़ के मरीज़ ज़्यादा आ रहे थे, उसकी जगह अब उल्टी दस्त के मरीज़ की संख्या बढ़ी है। जो अभी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन चल रहा है, इसमें कभी अब्रप्टली पूरे दिन में गर्मी ज़्यादा रहती है, शाम के टाइम टेम्परेचर डाउन हो जाता है, उस समय सिर्फ आप घर से निकलते वक्त खाना खा के निकलें, खूब पानी पी के निकलें, अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर हमेशा साथ रखें। किसी भी काम लंबे काम यात्रा पे चल रहे हैं तो आप ठंडी छाया वगैरह से कहीं से भी बाहर निकलते वक्त, गर्मी में निकलते वक्त अपने सर पे कपड़ा रखें। सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हीट एक्सपोजर से उनको तुरंत प्रभाव पड़ता है और ऐसे में जो है गफलत में आ जाना या बेहोशी की अवस्था में आ जाना या कोमा में चले जाना या चेत होकर गिर जाना ये बहुत कॉमनली मिलता है क्योंकि अडेप्टिव मेकेनिज़म्स जो हैं ओल्ड एज में वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो हमारी सलाह ये है कि धूप में ज़्यादा देर एक्सपोज ना हो, खड़े ना रहें, भूखे पेट ना रहें, पानी अच्छा पिएं, ऑल काइंड ऑफ लिक्विड्स, चाहे उसमें पानी, शिकंजी, छाछ, जूस, जो भी इस तरह के जो पेय पदार्थ हैं उनका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करें।